हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। और आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट करती हूँ, जो गिफ्ट मतलब सैमसंग को मिले थे उनकी बर्थडे पे, वो अनबॉक्सिंग हो रही थी तो वो मैंने वीडियो बना ली थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि सैमसंग को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों की बर्थडे जो अक्टूबर में ही होती है, तो इसलिए फिर हमें दोनों को एक साथ में गिफ्ट मिल जाते हैं। तो ये जो गिफ्ट मैं दिखा रही हूँ ये मोहम्मद इब्राहिम के गिफ्ट आए हैं। तो ये उसका पहला गिफ्ट था, ये उसका एक सूट था, हम ही लोग लेके आए थे, और ये साथ में शूज़ लेके आए थे। तो क्या आपको पता है जब नानू जो होती हैं वो बेटियों के लिए, दामाद के लिए कुछ लेके जाएं, तो वो फिर नवासे नवासियों के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आती हैं। तो इसलिए वो फिर मोहम्मद इब्राहिम के लिए भी शूज़ कपड़े वगैरह लेके आए थे। और ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट। मेरी बर्थडे तो 24 अक्टूबर को होती है, लेकिन वो लोग साथ ही गिफ्ट ले आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपने गिफ्ट भी साथ में ही दिखा दूँ। तो ये लीलन में बहुत मज़े का लगा, ब्लैक कलर का सूट है ये, और ये इसकी बैक है, ये इसके बाजू है। और ये इसका फ्रंट है, और इसका दुपट्टा जो है वो कढ़ाई वाला बॉर्डर वाला है, ये बाहर भी बना हुआ है। ये हमें लोग लेके आए थे, सिस्टर ने दिया था छोटी वाली जो है। और ये जो सूट है ये वसीम साहब का गिफ्ट मम्मी लोग लेके आए थे। ये ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू कलर, डार्क ब्लू सा जो वो कलर है, और ये ब्रांडेड सूट है खद्दर में मेरे ख्याल में ये, और ब्रांडेड सूट है ये, बहुत ज़बरदस्त देखने में, हाथ लगाने में बहुत ज़बरदस्त है। सिंह सबको भी बहुत पसंद आया ये सूट। ये इन्होंने लिया फैब्रिनो से, मज़े का, मुझे तो बहुत पसंद आया ये हुसैन साहब का सूट। तो आज तो हुसैन साहब बहुत खुश थे कि उन्हें इतने गिफ्ट मिले हैं, काफ़ी सूट हो गए थे हुसैन साहब के। तो ये वाला सूट तो हुसैन को बहुत ही पसंद आया है। और ये वाला जो सूट था, ये वाला भाई और भाभी ने हुसैन को दिया, ये वाला सूट भी बहुत अच्छा था, इसका कलर भी बहुत मज़े का था। ये भी गर्म स्टफ़ में प्लेन सूट है, तो बहुत मज़े का, मुझे भी इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया है। कपड़ा भी अच्छा है और कलर भी मज़े का है। और ये वाला भाई भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत मज़े का ये वाला भी सूट है, गला दामन है, ऑल ओवर भी बीच में बना हुआ है और गला दामन भी है, और ये पश्मीना में, और इसके ऊपर ये कढ़ाई हुई भी है, इसकी शॉल बहुत मज़े की है। ये देखें, ये तो आम भी की जा सकते हैं दूसरे कपड़ों के साथ भी,
और इसकी शॉल बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और कपड़ा भी बहुत मज़े का, और इसका कलर भी बहुत मज़े का। ये मैं स्टिच करवाऊँगी तो बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें इसकी फुल कढ़ाई, साथ ट्राउज़र बिल्कुल सेम साथ का, और ये शॉल। तो ये दो सूट हो गए मेरे और दो हो गए सीन सब के। और ये सिस्टर लेके आई थी गिफ्ट, सिस्टर और भाई ने गिफ्ट दिए हैं, मतलब बहन भाई ने। तो ये सीन सब अपना गिफ्ट खोल रहे हैं, और इसमें भी सीन सब के लिए गिफ्ट जो है वो सूट ही है। और ये कलर आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, ये ग्रीन कलर है, और ये भी गरम स्टफ है, ये थोड़ा चेक में बना हुआ है, चेक स्टाइल है इसका, बिल्कुल लाइट सा सेल्फ प्रिंट में। तो ये भी सीन सबको बहुत पसंद आया है। और ये छोटी सिस्टर जो है ये खुद बना के लाई थी बास्केट, गिफ्ट बास्केट, बहुत मज़े की है ये, बहुत मज़े की बनाई थी, बहुत सबको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की बनी हुई है। इसमें ये सब स्टार्स हार्ट वगैरह लगाए हुए हैं, बर्थडे विशेस लिखी हुई हैं इसने इसके ऊपर, और इसके बीच में टी कप हैं, और की चेन्स वगैरह हैं, मोबाइल रैक है, मोबाइल रखने के लिए जो होता है मोबाइल स्टैंड वो है, और इसमें एक हार्ट ज्वेलरी बॉक्स बना हुआ है जिसमें उसने कैचर वगैरह, हेयर कैचर और इयररिंग्स वगैरह डाली हुई हैं, और साथ में ये सीन सब के लिए परफ्यूम है। और कैंडल्स वगैरह हैं इसमें, बहुत मज़े की बनी हुई है। इसको मैं अब अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखूँगी, इसमें सारा कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो है वो अपनी सारी इसमें लगाऊँगी। इसको मैं मेकअप ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। बहुत मज़े का ये कप यूज़ करेंगे हम लोग, एक जैसे हैं दोनों के। बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का। ये वाला ज्वेलरी बॉक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं खोल रही थी, और इसमें जो गोल्ड इसमें रिंग थी, एक पिंक सा कलर है ये, और इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये मोबाइल कवर, कवर नहीं मोबाइल स्टैंड, सॉरी। बहुत अच्छे गिफ्ट थे सारों के, बहुत पसंद आए थे। ऐसी चीज़ें जो घर में बनाए हैं, इसमें मेहनत बहुत होती है, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह ये इसने विशेज़ वगैरह लिखी हुई थी, राउंड करके रिबन लगा के इसको इसके बीच में वो भी डाली हुई थी। तो बहुत मज़े का लग रहा था ये वाला गिफ्ट। और उसके बाद ये जो सिस्टर
उनके हस्बैंड ने जो गिफ्ट दिया था वसीम साहब को, तो वो सूट मिला था। तो मैं ये अपना गिफ्ट ओपन कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसने मुझे ये दिया था मेकअप की चीज़ें, और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये वाला गिफ्ट भी देख के, क्योंकि आपको पता है मेकअप की चीज़ें जो होती हैं वो मुझे तो बहुत पसंद है, और बाजार लड़की को मज़े की लगती हैं, तो फिर इसलिए मुझे ये भी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। और इसमें मैं ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसने क्या किया है। ये इसमें लिपस्टिक है, एक मैट लिपस्टिक है, ये बहुत मज़े का कलर है इसमें, साथ में उसमें पेंसिल भी बनी हुई है, और साथ में ये लाइनर है, और ये शाइनर ब्लश ऑन कंसीलर है ये साथ में, और ये लाइनर का ब्रश है, बीबी क्रीम है, और फेस पाउडर है। और ये मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अलग से भी इसकी वीडियो, और साथ में मुझे भाई ने पैसे भी दिए थे कि उन्हें लग रहा था कि ये गिफ्ट थोड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि 1000 उन्होंने मुझे और दिया कि अपनी मर्ज़ी से और गिफ्ट ले लेना। बीबी क्रीम तो मैं ये वाली यूज़ नहीं करती, लेकिन अभी मुझे इसने दी है तो मैं यूज़ करूँगी, गार्नियर की है ये। और फेस पाउडर और लिपस्टिक का कलर तो बहुत मज़े का था, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अलग से। इसके साथ में पेंसिल बनी हुई है, और साथ में लाइनर है, कंसीलर है, ब्लश ऑन है, तो बहुत मज़े के गिफ्ट हैं इसके भी, बहुत पसंद आए मुझे। बल्कि हम लोगों ने ये गिफ्ट जो थे वो उन लोगों के सामने ही खोलने थे, वो लोग कह रहे थे, लेकिन फिर उन लोगों को देर बहुत हो गई थी खाना खाते हुए, तो फिर इसलिए वो लोग चले गए, तो फिर खोले और वीडियो मैंने बना ली ताकि वो लोग भी देख लें कि हम लोगों ने गिफ्ट खोलते हुए वीडियो बना ली थी। और ये जो छोटी सिस्टर है ना, वो ये भी साथ में लेके आई थी चॉकलेट्स, और इसकी पैकिंग बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकिंग हुई हुई है। ये देखें, ये इस तरह इसकी पैकिंग हुई हुई है, ये चॉकलेट्स हैं, इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। चलें फिर इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।